friends, welcome to my channel all about biology. Today we will discuss about phagemid vector. So what are phagemid vector? Phagemid are the vectors that are made up of a plasmid and a phage DNA. So they are called as phagemid. Phage because they consist of DNA from a bacteriophage. And mid for the plasmid. That's why the phagemids are the combination of plasmid and phage DNA. So phagemid ऐसे vectors होते हैं जिनमें plasmid का कुछ portion present होता है और bacteriophage DNA का कुछ portion present होता है. यानी ऐसे vectors जिसमें plasmid और bacteriophage DNA का combination होता है उन्हें हम phagemid बोलते हैं. आगे हम लोग बात करेंगे फेजमिड के स्ट्रक्चर की. ये एक टिपिकल फेजमिड का स्ट्रक्चर है. अगर हम बात करें तो इसका नाम है पी ब्लू स्क्रिप्ट सेकेंड KS. सो इट इज़ एन फेजमिड वेक्टर विच इज़ कॉल्ड एज पी ब्लू स्क्रिप्ट सेकेंड KS. इट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग रीजन्स एज यू कैन सी इन दिस डाइग्राम. सो इट मेनली कंसिस्ट ऑफ कॉल E1 ओरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन विच हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द प्लाज्मिड. इट कंसिस्ट ऑफ एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस. सो यू कैन आइडेंटिफाई द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, रिकॉम्बिनेंट फेजमिड. It has lac Z gene, multiple cloning sites and lac I region. You can use the lac Z gene for blue-white screening for selection of the recombinant. And you have this pink region that you can see in this diagram. This pink one is the origin of replication taken from the bacteriophage. So this is a phagemid vector named as P blue script second. It consists of a combination of a plasmid and a phage DNA. So it has some components from the plasmid. It has an origin of replication from plasmid. It has an amphicillin resistant gene from the plasmid. It has an lac Z gene and lac I gene from the plasmid. While it has an origin of replication of the bacteriophage. So in this diagram you can see the it consists of two types of origin of replication. One is for positive and other is negative. These positive and negative origin of replication corresponds to the sense and the antisense region of the DNA. We will discuss on it in my next video. So the positive sign indicates that it is a sense DNA and the negative sign indicates that it is an antisense DNA. So ये एक diagram है phagemid vector का जिसका नाम है P blue script second KS. और इसमें कुछ regions हमें देखने को मिलेंगे bacteriophage DNA के और कुछ portion देखने को मिलेगा प्लाज्मिड वेक्टर का. तो अगर हम इसको स्ट्रक्चर को गौर से स्टडी करें तो हमें देखने को मिलेगा कि इसमें कॉल E1 ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है जो कि प्लाज्मिड से लिया गया है. कॉल E1 के बारे में भी मैं अपने वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ, आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं. और साथ ही साथ इसमें एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट होता है जो कि आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है बाद में. ये भी प्लाज्मिड से लिया गया है. इसके साथ साथ इसमें लैग जेड, मल्टीपल क्लोनिंग साइड एंड लैग आई रीजन प्रेजेंट है जो कि ब्लू वाइट स्क्रीनिंग में हेल्प करता है. ब्लू वाइट स्क्रीनिंग पे भी मैंने वीडियो बनाया, वो भी आप देख सकते हैं पिछले वीडियोस में. इसके अलावा इसमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन एक और मौजूद होता है जो कि बैक्टीरियोफाज से लिया गया है. और इस बैक्टीरियोफाज का नाम F1 बैक्टीरियोफाज है, F1 बैक्टीरियोफाज. सो फेजमिड वेक्टर्स आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ फाज DNA एंड द प्लाज्मिड कंपोनेंट्स. सेकेंडली इट कंसिस्ट ऑफ टू ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, वन फॉर द प्लाज्मिड, वन टेकन फ्रॉम द प्लाज्मिड एंड अदर टेकन फ्रॉम द बैक्टीरियोफाज. फेजमिड वेक्टर की खास बात यह होती है कि इसमें दो दो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन मौजूद होते हैं. एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो कि प्लाज्मिड का है और दूसरा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो कि बैक्टीरियोफाज का है. इस केस में हमने बैक्टीरियोफाज जो है उसका नाम है F1 बैक्टीरियोफाज का ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन यहाँ पर यूज़ हुआ है इस पी ब्लू स्क्रिप्ट सेकेंड बैक्टीरियोफाज वैक्टर में.
इसके बाद मैंने एक शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है कि फेजमिड वेक्टर में कौन कौन से कंपोनेंट इस फेजमिड वेक्टर जो पी ब्लू स्क्रिप्ट सेकेंड फेजमिड वेक्टर है, इसमें हमें कौन कौन से कंपोनेंट्स कहाँ कहाँ से लिए गए हैं वो मेंशन किया है। जैसे कि प्लाज्मिड का ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन और लैक ऑपेरॉन मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स, ये सब प्लाज्मिड के कंपोनेंट्स हैं इस फेजमिड में। और ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन फाज बैक्टीरियोफाज का लिया गया है। सो द फेजमिड इन द अबव गिवन डायग्राम कंसिस्ट ऑफ एन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, एन एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन एंड लैक ऑपेरॉन जीन, अ मल्टीपल क्लोनिंग साइट टेकन फ्रॉम अ प्लाज्मिड। हाउएवर इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ एन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन टेकन फ्रॉम अ बैक्टीरियोफाज। Now we will discuss about the uses of the phagemid vectors. The phagemid vectors are commonly used for cloning purposes. These are used as cloning vectors. Then these are used wherever a single stranded DNA is required, like DNA sequencing and site-directed mutagenesis. So you would like to have a phagemid vector for getting a single stranded DNA that is used in the process of DNA sequencing, as well as it is used in the process of site-directed mutagenesis. फेजमिड वेक्टर का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए की आवश्यकता होती है कुछ प्रोसेसेस के लिए, जैसे कि डीएनए सीक्वेंसिंग या फिर साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस। So now we will discuss about how the phagemid vectors are used, how we use them for cloning purposes. We will discuss about that. So in this case, I want to tell you that the bacteriophage M13 and bacteriophage F1, these are the two different types of bacteriophages that resemble each other in so many respects. So we will discuss about the bacteriophage M13 as well as the bacteriophage F1. These two are the two different types of bacteriophages. They resemble each other. So both can infect the E. coli. So we can use the origin of replication of anyone. Either we can use the origin of replication of the M13 bacteriophage, or either we can use the origin of replication of a F1 bacteriophage for cloning purposes. जैसा कि हम जानते हैं बैक्टीरियोफाज डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। इनमें दो कॉमन टाइप हैं, M13 और F1 बैक्टीरियोफाज। ये दोनों बैक्टीरियोफाज ऐसे हैं जो एक दूसरे से स्ट्रक्चर में प्लस सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए भी इनमें प्रेजेंट होता है उसमें रिजेंबल करते हैं, और ये दोनों ईकोलाई को इन्फेक्ट भी करते हैं। तो इसलिए हम इन दोनों में से किसी के भी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं फाजमिड वेक्टर को बनाने के लिए। फाजमिड वेक्टर में ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन एक बैक्टीरियोफाज का मौजूद होता है, तो उसमें हम चाहें तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन F1 बैक्टीरियोफाज के भी यूज़ कर सकते हैं या फिर M13 बैक्टीरियोफाज का भी यूज़ कर सकते हैं। ये कॉमन बात है। नाउ अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली। सो व्हेन फेजमिड वेक्टर्स आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द ई कोलाई, as it has its own origin of replication of the call even plasmid, it replicates as a double stranded DNA. But when the same E. coli gets infected by a F1 phage, the origin of replication of the F1 phage in the phagemid vector gets activated, and now the phagemid switches its mode of replication and it replicates as a single stranded DNA and it gets packaged into the phage head. So जब हम phagemid vector को E. coli के अंदर introduce कर रहे हैं, phagemid vector में हमारा desired gene भी है या desired portion भी है जिसकी हम cloning करना चाहते हैं, तो उस phagemid vector को हम E. coli में insert कर रहे हैं। अब जैसा कि हमने बताया कि फेजमिड वेक्टर के अंदर दो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन मौजूद हैं, तो जैसे ही फेजमिड वेक्टर ई कोलाई के अंदर जाता है, जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कॉल ईवन प्लाज्मिड का है वो एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से जो फेजमिड वेक्टर है वो रेप्लिकेट करेगा और डबल स्टैंडर्ड डीएनए बनाएगा। जबकि
उस ईकोलाई को जब कोई दूसरा बैक्टीरियोफाज आके इन्फेक्ट करेगा, वैसे ही ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो कि F1 फाज का मौजूद है फेजमिड वेक्टर में, वो एक्टिवेट हो जाएगा, जिसकी वजह से फेजमिड वेक्टर सिंगल स्ट्रैंडेड DNA की तरह रेप्लिकेट करने लगेगा और फाज हेड में पैकेज हो जाएगा. नाउ आई एम शोइंग यू द होल थिंग दैट आई हैव डिस्कस्ड अबव इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम. सो व्हेन द ई कोलाई consist of or when we insert our phagemid vector into a E. coli, then as we know that the phagemid vector contains the origin of replication of the col E1 plasmid, so it replicates normally and it forms double-stranded DNA. In this diagram, as you can see that the phagemid vector replicates and form double-stranded DNA. This pink portion is the desired gene that we want to clone. However, when our F1 bacteriophage infects the same E. coli, then the origin of replication that is present in the phagemid vector, the origin of replication of the F1 phage that is present in the phagemid vector gets activated and it gets replicated to form a single-stranded DNA. This single-stranded DNA gets packaged into the phage head and it has the desired gene that we want to clone. So in this way, the phagemid vectors are used as a cloning vectors in recombinant DNA technology. अगर हम बात करें जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया, उसी को मैंने डायग्राम फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है. ई कोलाई में जब फाजमिड वेक्टर इंसर्ट करते हैं हम, तो नॉर्मली जो ई कोलाई का ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन यहाँ पे मौजूद है, कॉल E1 ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जिसकी वजह से फाजमिड वेक्टर नॉर्मली डबल स्टैंडर्ड DNA की तरह रेप्लिकेट करता है. लेकिन जैसे ही इस ई कोलाई पे बैक्टीरियोफाज F1 इन्फेक्ट करता है, बैक्टीरियोफाज F1 में सिंगल स्टैंडर्ड DNA मौजूद होता है, जैसे ही ये बैक्टीरियोफाज इस ई कोलाई को इन्फेक्ट करेगा, इसका फाजमिड वेक्टर का रेप्लिकेशन प्रोसेस पूरा स्विच हो जाएगा और ये सिंगल स्टैंडर्ड DNA बनाने लगेगा रेप्लिकेट होके. क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है वो F1 फेज का एक्टिवेट हो जाता है. जो फाजमिड वेक्टर में F1 फेज का ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन था, जिसे अभी हमने पीछे डिस्कस किया, वो एक्टिव हो जाएगा, जिसकी वजह से फाजमिड वेक्टर सिंगल स्टैंडर्ड DNA बनाने लगेगा जो कि पैकेज हो जाएगा. और अभी हमने पीछे बात भी की कि हम फाजमिड वेक्टर का यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि हमें सिंगल स्टैंडर्ड DNA की ज़रूरत होती है. सिंगल स्टैंडर्ड DNA की ज़रूरत हमें कहाँ कहाँ पड़ेगी? DNA सीक्वेंसिंग के टाइम, साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस के टाइम. इसलिए हम फाजमिड वेक्टर का यूज़ करते हैं, जैसा कि अभी हम लोग पूरा इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं. सो इस तरीके से फाजमिड वेक्टर का यूज़ किया जाता है रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी में. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए. थैंक यू सो मच.